हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बी गुड आइडियाज। आई होप कि आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, खासकर क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स फिजिक्स पर कमांड हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो उनको मेरी एडवाइस है कि जो सेक्शन आपको ईजी लगते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है, इसलिए आपको एफर्ट करना ही होगा। प्लीज़ कुछ दिनों तक अपने ब्रेन से ये बात निकाल दीजिए कि फिजिक्स टफ है और मुझसे नहीं हो पाएगा। बस ये ठान लीजिए कि जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट की बाद में देखी जाएगी। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जिनको फिजिक्स पढ़ते टाइम आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही से फिजिक्स को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए, क्योंकि इनको कर लेने से ही आपका 60% से 70% पेपर तो प्रिपेयर हो ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स आपके लिए टफ है तो पहले मैं आपको एक इजी और रेडीमेड फंडा बताता हूँ, फिर सारे टॉपिक्स बताऊँगा। अगर आप फिजिक्स प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो सारे फार्मूले याद कर लीजिए, सारे ड्राइवेशंस एंड लॉज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और सारी थ्योरीज, फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके एसआई यूनिट्स अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको एमसीक्यू के अंदर पूछी जाएंगी, तो ऐसे में कुछ मार्क्स तो आपको आएंगे। साथ ही ईजी न्यूमरिकल्स पर भी ध्यान दीजिए। तो ये था इजी और रेडीमेड आइडिया फिजिक्स को प्रिपेयर करने का। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सारी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में तीन टॉपिक आपको करने हैं, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में आपको इसका एप्लीकेशन भी तैयार कर लेना है। चैप्टर टू से भी आपको तीन ही टॉपिक तैयार कर लेने हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे आप जितना तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको चार टॉपिक्स करने हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर, क्रिस्चॉफ्स लॉज और पोटेंशियोमीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप एक्सप्रेशन और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों को प्रिपेयर कर लीजिए। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर के सारे डेराइवेशंस और न्यूमेरिकल्स को तैयार कीजिए। किरचॉफ्स लॉज से भी इसकी डिफिनेशंस, एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल्स को रेडी कर लीजिए। पोटेंशियोमीटर से आप ओनली न्यूमेरिकल्स को रेडी कीजिए। चैप्टर फोर यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से आपको ओनली सिक्स टॉपिक्स करने हैं, बायो सेवाट लॉ, एम्पियर्स लॉ, साइक्लोट्रॉन, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डेराइवेशन और न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। साथ ही साइक्लोट्रॉन का डायग्राम, थ्योरी और डेराइवेशन तीनों कर डालिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का करंट लूप और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन दोनों को करना है। प्रॉपर्टीज, पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अच्छे से कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल और टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल दोनों को बार मैग्नेट कंसेप्ट के साथ कर लीजिए। अब सिक्स चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेराइवेशन और न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिए। साथ ही म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन को भी कर लीजिए। जब आप फिजिक्स कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ डेराइवेशंस भी हैं, रूल्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। हाँ, डेराइवेशंस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन आपको बाकी सबको भी ध्यान में रखना है। सेवेंथ चैप्टर में आप तीन टॉपिक कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ के डेराइवेशंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस एंड एवरेज पावर इन सीरीज, एलसीआर, एलआर, सीआर
और LR सर्किट के टॉपिक से भी आप डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को करेंगे। रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट से भी आप डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, इसके अलावा आप इस चैप्टर से कुछ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर से भी बस तीन टॉपिक कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कर लीजिए। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर से आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा, इससे आप 6 टॉपिक्स करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म एंड कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के इन 5 टॉपिक से आपको डेराइवेशन और न्यूमेरिकल दोनों करने हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के टॉपिक की थ्योरी और एप्लीकेशंस दोनों को अच्छी तरह से आपको करना होगा, साथ ही माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स को भी जरूर कर लीजिए। 10वां चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, जिससे आपको 3 ही टॉपिक्स करने हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट से डेराइवेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को तैयार करेंगे आप, जबकि पोलराइजेशन से आप डिफिनेशन और न्यूमेरिकल्स को पक्का करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन और आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप करेंगे। इन 4 टॉपिक्स की थ्योरी, फार्मूला, यूनिट्स और एप्लीकेशंस को कर लीजिए बस। अगला चैप्टर है एटम्स का, इसमें से आप करेंगे ओनली 3 टॉपिक्स, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस और बोर मॉडल एनर्जी लेवल्स एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इनसे भी आपको थ्योरी, फॉर्मूला, यूनिट्स और एप्लीकेशन को ही करना है। देखिए, कुछ ना प्रिपेयर करने से अच्छा है कुछ प्रिपेयर करना। इस बार MCQs हैं तो उनमें फार्मूला भी पूछा जा सकता है, यूनिट्स भी पूछे जा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ सरेंडर मत कीजिए, आपके पास जो भी जितना भी टाइम हो उसे यूज़ कीजिए और फिजिक्स को रेडी कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में है न्यूक्ली, इससे भी बस आप ओनली 3 टॉपिक्स कीजिए। इस चैप्टर से पहला टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, दूसरा टॉपिक है मास डिफेक्ट और तीसरा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी का। इस चैप्टर से आपको कुछ खास नहीं करना है, बस थ्योरी, रिलेटेड फार्मूला और एप्लीकेशन को करना है। मैं इस वीडियो में जितने टॉपिक्स बता रहा हूँ और जैसे जैसे बता रहा हूँ, अगर वैसे वैसे आपने कर लिया तो मैं आपको पक्का एश्योरेंस दिलाता हूँ कि आपको थ्योरी में 90% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मैं पहली बार क्लास 12 फिजिक्स पर आपको सजेशन दे रहा हूँ और हो सकता है कि बाकी बड़े बड़े महान यूट्यूबर्स के सामने मेरी कोई वैल्यू ना हो, आप ऐसा ज़रूर सोचिए, बट प्लीज़ एक बार आप मेरे बताए टॉपिक्स को भी ज़रूर कर लीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चैप्टर 14 से आपको 4 टॉपिक्स करने को कह रहा हूँ, इन 4 टॉपिक से आपको कोई डेराइवेशन कोई प्रूफ नहीं करना होता है, बस वही इजी फंडा फॉलो करना है, यानी थ्योरी, फॉर्मूला और एप्लीकेशन बस। तो 4 टॉपिक देख लीजिए, पहला टॉपिक एनर्जी बैंड्स, दूसरा टॉपिक सेमीकंडक्टर डायोड, तीसरा टॉपिक डायोड एज ए रिफ्लेक्टर और चौथा टॉपिक जंक्शन ट्रांजिस्टर। लास्ट लेसन है कम्युनिकेशन सिस्टम का, इससे 3 टॉपिक्स कीजिए बस, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बस ये 3 टॉपिक्स, वो भी बिल्कुल इजी मोड में, यानी थ्योरी, फॉर्मूला और एप्लीकेशन बस। जिन टॉपिक्स में या चैप्टर में मैंने आपको TFA यानी थ्योरी, फॉर्मूला और एप्लीकेशन का फंडा बताया है, उसमें आप जिन टर्म्स का हो सके डिफरेंशिएट भी रेडी कर लेते हैं तो और अच्छा होगा, जैसे डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड मॉडल विथ बोर्स मॉडल या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बीच डिफरेंस। समझ रहे हैं ना आप? अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स बहुत
टफ आते हैं और आपसे नहीं हो पाएंगे तो फिर थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करके जाइए, इसमें भी 50 से 55 मार्क्स तक आपको आ जाएंगे। तो ये हैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं, आप इनको अच्छे से और जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आरबी गुड आइडियाज़ को अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।